सरदार साहब शर्माते हो, बोले कि मैनू तो नहीं, अगर तेनू है तो आ जा। मेरी बात फैसला करना है तो वो सर रिपोर्टिंग में आपकी बता देते। एक मिनट पंजाबी लड़की सरदार की दुकान पे गई और उसे कहने लगी कि सरदार साहब लिप्टन दी चाह है। सरदार साहब शर्माते हुए बोले कि मैनू तो नहीं, अगर तेनू है तो आ जा। तो सारी बात है, अब लड़े क्या मसला है यार? कोई मसला नहीं यार, मैं दाम कर रहा यार। यार मसला क्या है यार? हमारे पास मौजूद है चाइना के इमरान खान, तो इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं जी। पहले आपने मुझे चाइना का इमरान खान तो कह दिया, मेरे बात बहुत ज्यादा मुझे खराब लगता हूँ बहुत ज्यादा। आप कैसा कह सकते हैं? मैंने कभी 5 रुपए की करप्शन किया? नहीं, तो 5 रुपए की आप नहीं करते। मैं थोड़ा परेशान हूँ, अवाम रोड पे आएगी, अवाम रोड पे निकलेगी, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। खान साहब, अवाम वैसे ही रोडों पे है। पठान इतने समझदार क्यों होते हैं? पठान हम बादाम से दाम कहते से समझदार होते हैं। अच्छा, बादाम कहाँ से आते हैं? आप जो बादाम खाते हैं वो आते कहाँ से हैं? वो हमारे गाँव से आते हैं, हमने अपने पल लगाए हैं। अच्छा अच्छा, कौन से फल में से? मिर्जा गालिब का वो कौन सा आखिरी शेर था जो उन्होंने हॉस्पिटल में लिखा था? देखा यार, नर्स उसके रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आती थी, तो मिर्जा गालिब ने कहा आज काला झोड़ा था सदी फल में खिदे। बहुत जबरदस्त जवाब है जी, जी, जी। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज क्या? देखे, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। मैंने बजट क्या होगा? यार आप नहा के आए तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? एक मिनट ना मेरे भाई। तो नाज़रीन, कल मैं खाना खाने जा रहा था दोस्त के साथ, तो मेरे सामने एक बुरी औरत गिर पड़ी, तो मैंने भागता हुआ मैं गया और मैंने उसको उठाया और अम्मा ने मुझे दिल से दुआ दी। ताज़ा तरीन इतलात से पता लगे कि इमरान खान भी नाअहल हो चुके हैं, नवाज शरीफ पहले से नाअहल थे, अब पाकिस्तान में कोई अच्छा सियासतदान बचा नहीं। तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद ही अब सियासत में आ जाऊं, लेकिन मसला ये है कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, और मैंने सुना ऐसे ही है कि वो लोग सिर्फ इमरान खान के नाअहल होने के बाद अवाम ने फैसला कर लिया गया, वो धरने में ऐसे नहीं आएगी, वो पानी के गुब्बारे साथ लेके आएगी, और जो भी आपात से गुजर रहा होगा उसको वो गुब्बारे मारेगी। जहरी बात है, अब अवाम ने अपना जब फैसला करना है तो वो उसकी मर्जी है, वो गुब्बारे लेके आए, वो टमाटर लेके आए या फिर अंडे लेके। यार आप 2 मिनट साइड पे हो जाए यार। यार मैं वहाँ से गुजर रहा था, आपने मुझे बलून मारा, ये क्या मतलब? अरे मैंने नहीं मारा, मेरे भाई रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। यार कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं? मैं रस्ते से गुजर हूँ, आपने मुझे बलून मारा, तो एक बार मारा, दूसरी बार मारा, भाई वजह? अरे भाई मैंने आपको तो आज तक ताना नहीं मारा, मैं क्यों गुब्बारा मारूं? आप ताना मारने वाले होते कौन है? मैं रोड से गुजर हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो लड़की की आवाज़ रेडियो की तरह होती है, लेकिन जब हम शादी करके घर ले आते हैं तो अचानक उसके अंदर बुफर कहाँ से लग जाते हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं आपको समझाता हूँ। वो बुफर जो होता है ना, उसके अंदर पहले से फिट होता है। अच्छा, साइलेंट मूड पे होता है उस वक्त साइलेंट मूड में पड़ा होता है। जब हम उसको वापस घर ले आते हैं तो अपना रंग शंग जो उसका होता है ना ओरिजिनल, वो सब कुछ बताती है। नहीं ऐसे क्यों मर रहे हैं? मेरे भाई क्या हुआ? आप मुझे अपना क्या है? यार मैं तो प्रैंक शूट कर रहा हूं। कौन सा प्रैंक यार? कौन है? अच्छा अच्छा, मेरी बात सर, रिपोर्टिंग में आपकी बता देते। एक मिनट,
रिपोर्टिंग में बता दे, मेरी बात सुन, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात, मैं आपकी रिपोर्टिंग अभी निकाल लूं मेरे भाई, मेरे जान, आपने मुझे क्यों मारा है, बलून क्यों मारा है, मेरी बात सुन, प्रैंक शूट, बलून क्यों मारा, प्रैंक शूट कर मेरे भाई, बलून क्यों मार रहा है यार, मजा मजा किया यार, एक एक लोगों को, अच्छा मेरी बात, कैमरा लगा हुआ, मेरी बात यार, कोई नहीं, खैर भाई, नहीं नहीं मेरे भाई जान, चार भाई जान, इधर मेहरबानी मेहरबानी भाई जान, गुस्सा ना करो भाई जान, मेहरबानी आप, शुक्रिया।